नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय मज़े में होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि एन नाम वालों के लिए साल 2021 कैसा रहने वाला है। एन नाम से मेरा मतलब है जिन लोगों का नाम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के एन अक्षर से शुरू होता है, जैसे कि नीतीश, नितिन, नंदू, नंदलाल, नैना, नंदिनी, ऐसे दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके नाम का पहला अक्षर एन से शुरू होता है। अगर आप भी इसी में आते हैं तो इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यान से और एकाग्रता के साथ सुनने का प्रयास करें, क्योंकि यह एक वीडियो आपके आने वाले 365 दिनों का हिसाब बताने वाला है। ये एक वीडियो बताएगा कि आपके आने वाले वर्ष में आपके जीवन में क्या क्या घटना घटने वाली है, आपके भाग्य के भरोसे आपको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा और भी बहुत कुछ। परंतु सबसे पहले हम जानेंगे इस वीडियो के गुरु मंत्र के बारे में, उसके बाद जानेंगे आपके साल 2021 के बारे में। गुरु मंत्र ये है कि एक सच्चा दोस्त कभी आपके रास्ते में नहीं आता जब तक कि आप गलत रास्ते पे न जा रहे हो। तो अब जानेंगे आपके साल 2021 के बारे में, लेकिन उससे पहले आप एस्ट्रो फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन को ऑल पे ऑन कर दें, इस वीडियो के नीचे जय शनिदेव कमेंट कर दें और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में आपके साल 2021 का अनोखा टोटका है, अचूक उपाय है, जिस उपाय को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको 2021 में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी और आपका समय शानदार हो जाएगा। दोस्तों, यह वर्ष आपके लिए सामान्य रहेगा। इस वर्ष में आपको परिणाम मिला जुला रहेगा। आपके जीवन में उतार चढ़ाव काफी ज्यादा आने वाला है। आप में से बहुत से लोग साल 2021 में यात्रा काफ़ी ज़्यादा करेंगे। आप में से कुछ लोग विदेश यात्रा करने वाले हैं और कुछ लोग अपने ही देश में यात्रा काफ़ी ज़्यादा करेंगे। इस वर्ष में आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के लिहाज से साल 2021 आपके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं रहने वाला है। अभी हम शॉर्टकट में जानेंगे, वीडियो के लास्ट में पूरे विस्तार से देखेंगे, तो आप वीडियो को सुनते रहें। दोस्तों, अगर आपके कैरियर की ओर देखा जाए तो कैरियर के लिहाज से भी आपका साल 2021 ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा। इस वर्ष में आपके कैरियर में उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा आने वाला है, जिसके वजह से आपको मानसिक तनाव काफ़ी ज़्यादा होगा और इस वजह से आपका कैरियर प्रभावित होगा। दोस्तों, इस वर्ष में राहु आपकी राशि के सातवें भाव में रहने वाला है, जिसके वजह से आपके जीवन में उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा बनेगा, लेकिन उस उतार चढ़ाव से आपको घबराना नहीं है, आपको पूरे हिम्मत से, पूरे एकाग्रता से मुश्किल का सामना करना है। इस वर्ष में अगर आप कोई कार्य करते हैं, किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, तो आप जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें, बड़े ही आराम से और सोचने विचारने के बाद ही कोई फैसला करें, क्योंकि जल्दीबाजी में अगर आप कोई फैसला करते हो तो वह आपको परेशान काफ़ी ज़्यादा करेगा। आप में से जो भी लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, इस वर्ष में उनके नौकरी पर भी खतरा आने वाला है, उनके कामकाज में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपके काम से आपके बॉस, आपके सीनियर खुश नहीं रहेंगे और इन्हीं सभी कारणों से आपके नौकरी पर खतरा आएगा। लेकिन इस वर्ष में आपको पैसों की दिक्कत बहुत कम होगी। इस वर्ष के शुरुआत में आपका पैसा थोड़ा बहुत खर्च होगा, लेकिन धीरे धीरे आप आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और पैसों की कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। इस वर्ष में अपने फालतू के खर्चे पे अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो आप आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा मजबूत होंगे और पैसे बचाने में भी आप सफलता प्राप्त करने वाले हैं। अगर आपके जीवन में 2021 से पहले कोई वाद विवाद था, कोई झगड़ा था,
तो इस वर्ष में उस झगड़े को आप खत्म कर लेंगे और उस झगड़े से जो परिणाम आएगा वो परिणाम आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। इस वर्ष में आप में से जो भी लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए समय काफी ज्यादा बेहतर रहेगा, और तो और उन लोगों के जीवन में उनकी पढ़ाई लिखाई में साल 2021 में काफी ज्यादा बदलाव होंगे। लेकिन उस बदलाव से आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी, उस बदलाव की वजह से आपको फायदा ही फायदा होने वाला है। इस वर्ष में अगर आप पूरे मन से पूरे एकाग्रता से पढ़ाई पे ध्यान देते हैं तो आपके ग्रह आपका पूरा साथ देंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में अपने परिणाम से अपने एग्जाम से आप काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे और आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। वैसे अगर आपके पारिवारिक जीवन की ओर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से आपका समय सामान्य से थोड़ा सा खराब रहेगा। इस वर्ष में आपके घर परिवार का माहौल लगभग खराब ही रहेगा। आपके घर परिवार में किसी न किसी बात को लेकर तनाव रहेगा और हो सकता है तो आपके माता पिता का स्वास्थ्य कुछ ज़्यादा ही खराब रहेगा, जिसके कारण आपका पारिवारिक जीवन खराब हो जाएगा। खास तौर पे इस वर्ष में यानी कि साल 2021 में आपको अपने पिताजी के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य उन्हीं का खराब होगा और आपको परेशानी भी आपके पिताजी के वजह से ही होने वाली है। वैसे अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के लिहाज से 2021 आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष में आप में से बहुत से लोग प्रेम विवाह करेंगे, लेकिन इस वर्ष में अपने प्रेमी या अपने प्रेमिका के ईमानदारी पर आप शक बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप शक करेंगे तो आपका प्रेम संबंध खराब हो जाएगा। और अगर अपने प्रेम संबंध में अपने प्रेमी और अपने प्रेमिका पर आप विश्वास करते हैं तो आपका प्रेम संबंध बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा। लेकिन इस वर्ष में छोटी मोटी बात को लेकर आप दोनों में नोक झोंक लगभग होती रहेगा, यही समस्या आपको परेशान करेगा। साल 2021 में भगवान शनिदेव की दृष्टि आपकी राशि के पांचवें घर में रहेगी, जिसकी वजह से आपका प्रेम संबंध काफी ज्यादा मजबूत और गहरा होगा। इसके बाद बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। दोस्तों, स्वास्थ्य के लिहाज से साल 2021 आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। इस वर्ष में आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान देना होगा, अपने रहन-सहन का पूरा ध्यान देना होगा। अगर इस वर्ष में आपके स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत हो तो अपना इलाज आप स्वयं से बिल्कुल भी ना करें, आप अपना इलाज डॉक्टर से करवाएं और उसके बाद ही आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। और अगर साल 2021 में आपको कहीं भी कोई बीमारी होती है तो वो बीमारी जल्दी नहीं छूटेगा और इस वजह से आपको परेशानी काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि बीमारी लंबे समय तक रहने वाला है और इन सभी समस्याओं के कारण आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा। तो अब जानते हैं आपके कैरियर के बारे में पूरे विस्तार से कि इस वर्ष में आपका कैरियर आपका साथ देगा या नहीं देगा। दोस्तों, कैरियर के लिहाज से साल 2021 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौती वाला रहेगा। इस वर्ष में आपको समस्या भी मिलेगी और उसका समाधान भी मिलेगा। इस वर्ष शनि आपकी कुंडली के तीसरे भाव में रहने वाले हैं, जिसके वजह से आपको परिश्रम काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। इस वर्ष में अगर आप आलस करते हैं, किसी भी काम को टालते हैं, तो यह आपके कैरियर के लिए आपके आने वाले वक्त के लिए काफ़ी ज़्यादा खराब रहेगा। इस बात को आप याद रखें। अगर अपने कार्य क्षेत्र में अपने कैरियर में आप आलस करेंगे तो इसका नुकसान भी आपको झेलना पड़ेगा। इस साल जनवरी महीने से लेकर मध्य फरवरी मध्य मार्च
मध्य अप्रैल, मध्य जून और मध्य जुलाई, ये कुछ समय रहेगा जो आपके कैरियर के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा रहेगा। आपको इस अवधि के बीच परेशानी का सामना काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका समय बेहतर रहे, तो अपने मन को, अपने आत्मविश्वास को आप मजबूत करने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तो आपका समय शानदार हो जाएगा। तो अब बात करते हैं पूरे विस्तार से आपके धन संपत्ति के बारे में, कि इस वर्ष में आपके पास पैसे रहेंगे या नहीं रहेंगे। दोस्तों, पैसों के लिहाज से साल 2021 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस वर्ष में आपको पैसों की दिक्कत बहुत कम होगी, ना के बराबर होगी, लेकिन साल के शुरुआत में आपका पैसा कुछ खर्च होगा, लेकिन इस खर्चे से आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आगे जाकर आपके पास पैसे पर्याप्त रहेंगे। पैसों के वजह से अगर आपका कोई मामला कोर्ट कचहरी में है, तो साल 2021 में उस मसले पर फैसला आएगा और वो फैसला आपके पक्ष में रहेगा, जिसके वजह से आपके पास पैसे और ज़्यादा आने वाले हैं। लेकिन फिर भी अप्रैल के महीने से लेकर सितंबर के महीने का समय धन संपत्ति के लिहाज से सामान्य रहेगा। इस अवधि में आप अपने पैसे के खर्च पे कंट्रोल कर लें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तो आपको पूरे वर्ष में पैसों की कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो अब बात करते हैं आपके शिक्षा के बारे में। आप में से जो भी लोग विद्यार्थी हैं, अब जानते हैं कि 2021 आपके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य रहने वाला है। इस वर्ष में आप में से जो भी लोग पढ़ाई पर ध्यान देंगे, पूरे मन से, पूरे एकाग्रता से पढ़ाई करेंगे, उनका सपना अवश्य पूरा होगा। और जो भी लोग पढ़ाई लिखाई में आलस दिखाएंगे, अपने मन से, अपने एकाग्रता के साथ पढ़ाई नहीं करेंगे, उन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस वर्ष में जनवरी से अप्रैल और सितंबर से लेकर नवंबर तक का समय आपके पढ़ाई लिखाई के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा बेहतर और शानदार रहेगा। इस अवधि में आपको आगे बढ़ने का मौका अवश्य मिलेगा। अगर कोई जातक प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेने की सोच रहा है, तो साल 2021 इस काम की शुरुआत के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर और शानदार है। इस कार्य के लिए इससे उत्तम, इससे बेहतर समय आपके पूरे जीवन में फिर कभी नहीं आएगा। इस बात को आप याद रखें। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ाने के लिए जनवरी से अप्रैल और सितंबर के महीने से आधे नवंबर का समय काफ़ी ज़्यादा अनुकूल है। इसके अलावा आप में से जो भी छात्र अपने घर से बाहर विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो लोग भी इस वर्ष में अपने घर से बाहर जा सकते हैं। जनवरी, अप्रैल, जून और सितंबर का महीना इस पूरे वर्ष में इस कार्य के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्तम और बेहतर है। इस अवधि में अगर आप प्रयास करेंगे, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो एन नाम वालों, अब जानते हैं कि साल 2021 में आप किस उपाय को फॉलो करेंगे तो आपका समय बेहतर होगा। दोस्तों, उपाय ये है कि आप प्रतिदिन अपने मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। इस उपाय को फॉलो करने से आपका समय शानदार होगा और इस वर्ष में आप महादेव की पूजा करें, भगवान सूर्य की पूजा करें, आपका समय शानदार हो जाएगा। और डेली सूर्य उदय के वक्त भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से आप अर्घ दें, इसका फायदा आपको काफी ज्यादा मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है, तो वीडियो के नीचे जय बजरंगबली आप कमेंट कर दें, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपने वीडियो को पूरा देखा है। और कमेंट करने के बाद एस्ट्रोफोडियो को सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन को ऑल पे ऑन कर दें, इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दें, ताकि बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद। जय सिया राम। राधे राधे।